नमस्कार सर। युगांशी, आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, आपके सारे जो साथी मित्र होंगे। मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा, लेकिन आपने इस दुनिया को चुना, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का तय किया, ऐसा क्यों किया? नमस्कार सर। सर, कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मेरा झुकाव शुरू से ही कृषि की ओर रहा है, इसलिए मैंने बीएससी कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। आपने कभी सोचा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, उसके बावजूद भी बहुत सी सारी कृषि पैदाश ऐसी हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। आप सभी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं। आज एडिबल ऑयल के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपीस हमारा विदेश जाता है। तो आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रही हो तो भविष्य में भारत में मुट्ठी भर भी कृषि पैदावार कहीं से बाहर से लानी न पड़े, उसका लिस्टिंग बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये हो सकता है क्या? जी सर, जरूर हो सकता है। यदि सारे कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचें, तो वो जरूर हो सकता है। जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें युवा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, जिससे वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपने खुद के व्यवसाय खोल सकते हैं और जो जिसमें उनकी रुचि है वो कार्य वो कर सकते हैं। चलिए योगांशी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आप इस क्षेत्र में प्रगति करें और वैसे भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र ज्यादातर महिलाओं ने संभाला हुआ है। पशुपालन का हो या कृषि का हो, महिलाओं का योगदान सदियों से हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उसको अलग से रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। आपके वहाँ आने से जरूर कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।